अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब तो बिल्कुल ही ठीक है, मोटी ताज़ी माशाल्लाह से। अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वैसे हम? तू जाके पता चलेगा, बस इतना ही था। बस मैं सोच रही कि लॉन्च करूँ अपना ये सॉन्ग। छोड़े जी, सारे सिंगर सारे एक्टर सब कुछ छोड़ दे भाई, सभा का सॉन्ग आ रहा है, सब डायरेक्टर सुन ले, आप लोग अपने ठप्पे आप लोगों के बैठने लगे हैं फट्टे, सभा का सॉन्ग आने लगा है। मैं कह रही हूँ तुम्हें सागा वालों ने, तुम्हें पता नहीं किस किस ने अप्रोच करने के, सभा प्लीज हमारे लिए चल, गाना गा। पगली रुलाएगी क्या? ये बॉय, मैं तो चाह रही हूँ तुम रो ही लो, इतनी इमोशनल कर दी अफल्ला जी। और आयशा ने तो अपनी बात बताई नहीं है कि अभी इसने क्या किया था। समझ रहे हो? इसने पता क्या किया, दूसरा रिमोट वो जो है ना गाड़ी के, दो रिमोट है ना, जो पुराना वाला रिमोट है उसने बैग में रखा हुआ था और बैग में उसने ट्रंक में रखा और ट्रंक बंद ही नहीं हो रहा था, बंद नहीं हो रहा था, इसको भूल गया था कि उसमें रिमोट पड़ा हुआ। हमने कहा है ये तो रात को तो ठीक था, तो अभी क्या हुआ इसको? जनाब मैं परेशान हुई, मैंने कहा यार ये किस बात का सेंसर इसका बार बार ऑन हो रहा है। तो फिर हमने चेक करवाया तो उन्होंने कहा इसके अंदर रिमोट है। मैंने कहा कैसे हो सकता है, रिमोट तो मेरे पास है। तो कहते नहीं आप बैग निकाले भाई, हमने बैग निकाला तो उसमें वाकई रिमोट था। मतलब आप ऐसे इस बात पे यकीन कर सकते हैं? मतलब ऐसा भी कोई, इतना भी कोई बोंगा हो सकता है, इतना भी कोई कर सकता है? अब ये इसकी कुछ नहीं, वो रिमोट मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ये कॉल उठा रही है, उसमें रह गया था ट्रंक में, तो अब ये किसी और को भी बता रही है, अब ये होंडा वाले को बता रही है, होंडा वाले को बता रही है कि आयशा ने ट्रंक में रख दिया था। मुझे शक हो रहा था लेकिन मुझे याद नहीं था कि वो बैग में पड़ा हुआ है। मुझे क्या पता इन चीजों का यार, मुझे तो सिर्फ गाड़ी चलाना आता है, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है। चले तो हमने आपको बताना था कि हम कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, ये सामने रोड है और हमारी गाड़ी है और ये है पिंडी जा रहे हैं। और ये मुझे पता था ये जाके बताएगी कि हम लोग कहाँ गए थे और कहाँ। देखिए पोस्टर से थंबनेल से आपको पता चल ही जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो फिर अब क्या रोला ही पर डालना है कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। आज भी सबा ने घड़ी पहनी है, बार बार हाथ ऐसे कर रही है, बार बार हाथ ऐसे कर रही है, ये जी सबा जी ने घड़ी पहनी है दिखाएं, बार बार ऐसे, मतलब इसने घड़ी पहनी, बार बार हाथ को ऐसे करी, बार बार ऐसे घड़ी करी, मानो चल रही है, झूठ बोल रही है, बुरा लगता है भाई आप चल रही है। अब हम कहाँ है एप्पल वॉच पहनने वाले लोग, झूठ इंसान, झूठ इंसान, झूठ बोलती है। एप्पल वॉच इसकी घर में पड़ी हुई है, मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी, घर जाके मैं आपको इसकी एप्पल वॉच दिखाऊंगी। ये गाने के जाएगी, इतना पैसा है इसने, इतनी ज्यादा सेविंग की हुई अपने लिए, देती नहीं। सुन ले इसकी बातें, आप मतलब आप लोग इस बात पे यकीन कर सकते हैं? नहीं ना, तो इनको यकीन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्यों उफला सब, तुम इतनी प्यारी लग रही हो। ओह माय गॉड, अभी 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 लगने लगा था। यकीन करो जिंदगी में पहली दफा इतनी अच्छी लगी हो। यकीन यकीन मानो, पहली दफा नहीं लेती मैं हूँ यार, मतलब मुझे आज यकीन हुआ है कि आईफोन 14 प्रो मैक्स का इतना अच्छा। तो मेरा बड़ा वाला मुंह लेके आ रही हूँ, मुझे सारा पता चल गया, मैंने हजार दफा कहा मेरा बड़ा वाला मुंह ना लेके आया। तो तुम बड़ा वाला मुंह घर रख के आया करो, छोटा वाला साथ लेके आया करो, आईफोन का ट्रिमिंग शिमिंग किया करो। वैसे तुमने कल से फटा हुआ नोट अपने उसके बैक कवर में रखा हुआ। रुके मैं आपको दिखाती हूँ फटा हुआ नोट भी, जो आयशा के साथ धोखा हुआ, उसने देखना पसंद नहीं किया हुआ। इतनी मीटबंदी होनी चाहिए, बस देखे ना कैश बस रख लेगी, फटा फटा जो भी चलेगा चलेगा। ये देखिए जी, ये नोट है जो मुझे कल धोखे में दिया था, धोखे से दिया गया। मंदी हम गए थे खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे धोखे से, मंदी वालों मुझे F7 का चक्कर लगाने दो, तुम लोगों को मैं बताऊंगी कि कैसे किसी को धोखा देते हैं। उस टाइम मैं जल्दी में थी, कटिंग करवानी थी, मुझे सैलून जाना था, तो मैंने कहा मैं जल्दी पहुँचूँ सैलून, उस टाइम तो उन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया, धोखा। अच्छा तो नोट तो आपने देख लिया कि मेरे साथ ये धोखा हुआ, तो मैं आप लोगों को कल के बारे में बताती हूँ। कल हम लोग, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने जल्दी जल्दी से पेमेंट ली, तो मैंने सैलून जाना था कटिंग करवाने के लिए, सैलून में गई कैसर को, लोच F7 सब लोग जानते हैं कैसर भाई को। खैर हम वहाँ पे गए कटिंग करवाने के लिए, अभी हम बैठे ही थे तो मैंने पूछा, कैसर भाई ने पूछा कैसे ये वो, मतलब सलाम दुआ हुई, उसके बाद उन्होंने कहा आए पहले आपका वॉश होगा उसके बाद कटिंग होगी ना, सभा को बोला। सभा जैसे वॉश की तरफ गई, मैं पीछे मुड़ी, सामने रबीका, उसके साथ कमल आपी चीखे निकली। क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हम लोग रात को, हमारा प्लान था कि रात को मिलेंगे, हमने कहा हम भी जरा सैलून से फ्री हो जाएं, उन्होंने भी सैलून जाना था, मतलब उन
क्योंकि हमसे बात हुई थी, बट ये कंफर्म नहीं होता कि उन्होंने किस सैलून जाना है। हमने तो जाना ही था यहाँ पे कैसर भी, तो हम जब वहाँ पे पहुंचे और सरप्राइज भैया अंदर थे तो भैया अचानक से निकल के बाहर भागते हैं कि यार ये कौन आ गया रबिका, जिसको देख के चीखे मार रही इन दोनों कितनी चीखे निकली। सारों ने मुड़ के हमें देखा कि यार इन्होंने सैलून में क्या रोला मचाया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हो गया था ना, क्योंकि मतलब सरप्राइज मिल गया था। तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे पहले हमारी बात हुई थी, हमने डिसाइड किया था, लेकिन फिर एकदम से जब ऐसे सडन ही मुलाकात हुई थोड़ा मजा आया। हमने सोचा नहीं था कि हमारी मुलाकात ऐसे होगी, पर जब हुई तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आया हमें। 2000 years later तो यहाँ हम लोग आए हैं। ओ, ये बाइक वाले ने किया ऐसे, सब हैरान हो गए। हम लोग साइड पे आए हैं शूट के लिए। किसके लिए आए हैं? व्लॉग बन किसका रहा? आयशा का। हाँ ना, सबा का लोदी हैं। भैया साइड पे हो जाए। चलो ये तो समझ आ रहा है कि ये शूट हो रहा है, ये हीरो ये हीरोइन ये सारी टीम, ये क्या है? एंड देन फिर ये क्या है मतलब आपने वापस जाना है और सेम मुझे ना ये अभी स्लो 60 FPS म्यूजिक एक्सप्रेशन का सेम एक्शन चलो फॉलो करेगा आपको सब Hours later. जी अभी तो इनकी प्रैक्टिस चल रही है और रिहर्सल जो कहते हैं उसको, मैं तो लगा था फ्री हो गए होंगे, लेकिन अभी इनको टाइम है क्योंकि आपने हमें कहा था कि बस हम जल्दी फ्री हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर तो अभी इनका चल रहा है। वाह वाह द सेटअप। ये डिस्कशन हो रही है, एक दूसरे को समझा रहे हैं ये लोग। बता दे बर्फ ठीक है ना, कोई इजी सा जो आप लोग कैसा हो रहा है इनका इनका ये अगर डांस स्टेप करती भी है ना तो आप ये भाई लोग बगैर म्यूजिक के नाची जा रहे हैं। पता नहीं किसको पबजी को गोलियां मार रही है, पबजी खेलते रहते हैं रात जो को तो सामने आएगा उसको ठा मार देंगे। तुम ना जाना सामने, बस भाई लोग रुक गए हैं। भाई थोड़ा सा डांस करें ना प्लीज। ओ भाई भाई ओए करके बैठे हैं, क्या बात है। तो यहाँ पे चल रहा है सॉन्ग का वेरी फर्स्ट पार्ट है, बट ये सबसे लास्ट पे शूट हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, सबसे लास्ट पे शूट हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ये। और यहाँ पे भैया थक चुके हैं बहुत ज्यादा, हम थक गए तो जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके हालत देख सकते हैं आप, वो देखें। और आपी और सबा तो गाड़ी में ही बैठ चुके हैं कि नो मोर। ये हमारे हीरो आए बहुत ही थके हुए, मैकेनिक है बहुत थक चुके हैं आज ये।
सो फाइनली यहाँ पे पैकअप हो गया है, आप देख सकते हैं सबकी हालत क्या हो रही है। ये जो है सारे थक चुके हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और बहुत अच्छा शूट हुआ है। आप वेट कीजिएगा कि सॉन्ग आएगा, सॉन्ग देखिएगा कैसा रहेगा। दो तो बज गए, all over it's very good, bahut maza aaya, and it's gonna be a big video, it's gonna be a big video. inshallah stay tuned guys, stay tuned, inshallah.